इसी बीच में आ रही है, बिहार में 9 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, 7 नए आईएएस अधिकारियों को मिली है पोस्टिंग। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की अधिसूचना। बिहार भवन में स्थानीय आयुक्त के तौर पर कुंदन कुमार की तैनाती की गई है। अनिल झा को कृषि विभाग में संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संजीव मित्तल को वित्त विभाग में संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संजय कुमार को सहकारिता विभाग में संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रोगी को वाणिज्य कर विभाग में संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। कृष्ण कुमार को वाणिज्य कर विभाग में संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी। संजय कुमार सिंह को कृषि विभाग में संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी। अभय झा को सहकारिता विभाग में संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि रूबी रजनीश हमारे साथ हैं। रजनीश, बड़ा ये फेरबदल की इस वक्त अब खबर सामने आ रही है, किसको क्या जिम्मेदारियां मिली है? देखिए, कुंदन कुमार को स्थानीय आयुक्त बनाया गया दिल्ली में, मलका साहनी को ओएसडी बनाया गया है। तो ये 7 नए जो आईएएस थे उनको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है, अलग अलग विभागों की। ये पूरी जिम्मेदारी की सूची आज जारी कर दी है स्थानीय सामान्य प्रशासन विभाग ने। और सबसे खास बात यह है, पिछले हफ्ते भी 26 अधिकारियों का तबादला हुआ था, तो जो तबादलों का दौर है वो लगातार जारी है। जो नई दिल्ली में विशेष कार्य पदाधिकारी के रूप में मलका साहनी काम करेंगे, अनिल कुमार झा जो होंगे वो कृषि विभाग में संयुक्त सचिव होंगे, संजीव मित्तल जो होंगे वित्त विभाग में संयुक्त सचिव होंगे। तो इस तरह से संयुक्त सचिव के तौर पर सभी लोगों को तैनात किया गया है। और ये बड़ा फेरबदल माना जा रहा है, क्योंकि लगातार जो बिहार सरकार है वहां पर अधिकारियों के फेरबदल का सिलसिला जो है वो जारी है। जी बिल्कुल, धन्यवाद इस पर तमाम जानकारी। कुल मिलाकर यह है कि फिलहाल अधिकारियों का फेरबदल का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन बताया जा रहा है कई अधिकारियों को फिलहाल बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई।